हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कक्षा नवी का वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है आप लोगों का बताने की आवश्यकता नहीं है। 11 मार्च को आप गणित का पेपर देने वाले हैं। आइए विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आप सभी के कमेंट पढ़ लिए थे। सभी बच्चे जुड़ जाइए नवी वाले। आप सभी बच्चों के कमेंट मैंने पढ़ लिए थे। सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आप लोगों का पहले जुड़ जाइए एक बार। हाँ, कौन कौन जुड़ चुके हैं अभी? अभी तक आप लोगों के कमेंट नहीं आए, एक बार सभी कमेंट कर दें। हाँ, सभी के कमेंट मैंने देख लिए थे, आप लोग कमेंट कर रहे थे। हाँ, 11 से लेकर 23 तक सभी प्रश्नों के उत्तर आप मांग रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, सही बताऊँगा, चिंता ना करें, 11 से 23 तक भी बताएंगे। तो गाइस, मैंने आप लोगों को कहाँ तक बता दिया था? 11 तक तो बता दिया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी बताऊँगा इस वीडियो में मैं आप लोगों को, लेकिन बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे, उनका कहना था कि 11 से लेकर 23 तक भी क्वेश्चन बताइए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 11 ये है आप लोगों का, ठीक है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम वाले बच्चों के लिए। जिसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 अथवा वाले मिल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। आपने देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कक्षा नवी में ना तो कोचिंग जाते हैं, ना सही से स्कूल जा पाते हैं, और वो बिल्कुल भी स्टडी नहीं करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर जो प्रश्न बताया जा रहा है, इनको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, इनको अच्छे से पढ़ लें, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेटर हो जाएगी और ये क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, पूरा 23 तक बता रहा हूँ, 11 तक मैं दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ, साथ में ऑब्जेक्टिव भी बता चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव इसमें बता दूंगा, आंसर आपको उसी वीडियो में मिलेगा, उस वीडियो की लिंक मैं दे रहा हूँ आप लोगों को अभी कमेंट बॉक्स में। देख सकते हैं ये पूरा क्वेश्चन पेपर 23 तक, ये पूरा क्वेश्चन पेपर, हमारे बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि 23 तक पूरा क्वेश्चन पेपर बताइए, क्योंकि 1 से लेकर मैं 11 तक पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो में 11 से लेकर 23 तक क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको कहाँ से बताएं? 11 से 23 तक, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्रों का कमेंट आ रहा था कि सर आप 11 से, क्योंकि उस वीडियो में मैंने 1 से लेकर 11 तक बताए थे, 1 से 11 तक जो प्रश्न बताए थे वो प्रश्न यही है, ठीक है। ये आंसर नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि जैसे कि ये पहला वाला, ये तीसरा वाला प्रश्न, इसका आंसर आपका 15-10 हो जाएगा, इसका आंसर आपका सभी मैंने आंसर बता दिए थे, ठीक है। अगर आपको 1 से लेकर कहाँ तक, 5 तक ही ऑब्जेक्टिव सभी इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में चाहिए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है हमने वीडियो की, उस वीडियो में आपको 1 से लेकर 11 तक सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, गोले का आयतन होता है, ठीक है, और यहाँ पर इसका आंसर इसका समान भुजाओं वाले दो वर्ग होते हैं, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है बताइए, कितना होता है, 180 होता है या 360 होता है बताइए, देखता हूँ किसका इसका जवाब सबसे पहले आता है। ये जोड़ी है आपकी, जिसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे, ये आपके एक शब्द में उत्तर हैं, ठीक है। आंसर सहित मैंने ये वीडियो डाल दिया पहले ही डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, वहाँ पर जाइए, सत्य फत्य देख लीजिए, ठीक है। ये सभी प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं, 11 तक करवा दिए थे, ठीक है। उसके बाद 11 से लेकर 23 तक इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। तो सभी बच्चे आगे भी तैयार रहिएगा, वीडियो में आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। सभी शेयर कर दें एक दूसरे को, धन्यवाद।